सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेसी इलेक्ट्रॉन 50 mg टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसकी क्या डोजेस होती हैं, और क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो किस तरह से कर सकती हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी तरीके, बिना किसी इंट्रो के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसी इलेक्ट्रॉन 50 mg टैबलेट दो दवाओं के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल शरीर में पोटेशियम के लेवल को कंट्रोल रखते हुए एक्स्ट्रा तरल को कम करने के लिए किया जाता है, और इसका यूज एडमा यानी कि फ्लूइड्स ओवरलोड और हाइपरटेंशन के कुछ मामलों में किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गाइस एडमा के बारे में। तो एडमा जो है आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी रह जाने के कारण होता है। ऐसे में लेसी इलेक्ट्रॉन 50 mg टैबलेट यूरिन बनने की मात्रा को बढ़ाकर अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालने में मदद करता है, और साथ ही साथ यह आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने में सक्षम बनाता है, जिससे सांस लेने में परेशानी और आपके हाथों पैरों या पेट में सूजन जैसे लक्षणों से राहत मिलती है। तो गाइस अब हम जानते हैं कि लेसी इलेक्ट्रॉन 50 mg टैबलेट किस तरह से कार्य करता है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, लेसी इलेक्ट्रॉन 50 mg टैबलेट दो दवाओं के मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें फ्यूरेसामाइड और स्प्रोनोलेक्टोन होता है। फ्यूरेसामाइड एक मूत्रवर्धक है जो पेशाब के रास्ते शरीर से अतिरिक्त पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही साथ यह समय के साथ साथ रक्त वाहिकाओं को भी आराम देता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि यह पोटेशियम को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता है, लेकिन स्पाइरोनोलेक्टोन भी एक मूत्रवर्धक है जो कि पोटेशियम को बचाने का कार्य करता है, जिससे शरीर में इसका संतुलन बना रहता है। तो गाइस अगर हम बात करें इनके साइड इफेक्ट्स की, तो नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट्स अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से आपके साइड इफेक्ट्स ठीक नहीं हो रहे तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। और साइड इफेक्ट्स में देखा गया है कि पुरुषों में स्तन की वृद्धि हो जाती है, और जो दूसरा सबसे मुख्य साइड इफेक्ट है वो है कि इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलित होना। तो गाइस अगर हम बात करें प्रेगनेंसी में इसका यूज किस तरह से किया जाता है, तो गाइस यह टैबलेट प्रेगनेंसी में असुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि यह विकसित हो रहे शिशु पर कुछ हद तक प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से डॉक्टर इसे रिकमेंड नहीं करते हैं। एंड गाइस एक खास टिप्स मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल रात में ना करें, क्योंकि इससे बार बार लगने वाली टॉयलेट से आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए सुबह नाश्ते के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो गाइस यह थी पूरी जानकारी लेसी इलेक्ट्रॉन 50 mg टैबलेट की। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है या आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई आपको जरूर दे दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक थम्स अप, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, लव यू इंडिया।